बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम योर कंप्यूटर टीचर कैकिशा फजल, एंड दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 10, एंड द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज द एस्केप सीक्वेंस, कॉमन यूज्ड एस्केप सीक्वेंस एंड प्रोग्रामिंग विद आईओ हैंडलिंग फंक्शन, एंड वन टॉपिक इज मोर, दैट इज सेट डब्ल्यू and handle. Okay, book पे आ जाते हैं हम, और book के according हमारा topic है escape sequence. Basically escape sequence क्या होता है? Escape sequence is special character used to control the output look on output devices. The character are not printed. These character are not printed. These are used inside the output statement. अच्छा, हमारे पास escape sequence जो होते हैं वो special characters होते हैं जो कि हमारे पास output की जो look होती है output devices के अंदर, या output की जो भी हम लोग, for example हम output generate करना चाह रहे हैं, for example आप यहाँ पर भी देख सकते हैं in above program के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे जनरेट होती है. आपके पास आउटपुट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम लिख सकते हैं. ये हमारे पास आउटपुट है. द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज शोन बिलो विद द इनपुट करेक्टर. हमारे पास प्रोग्राम, हमने इसका ये लिखा हुआ है और ये इसकी आउटपुट शो हो रही है. इंटर अ करेक्टर, द करेक्टर यू टाइप इज एच. ये इसकी क्या चीज़ है? ये हमारे पास आउटपुट है. अब इस आउटपुट में कुछ ऐसे करेक्टर जो कि यूज़ होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हम उनको यूज़ करते हैं एज अ स्पेशल करेक्टर्स के तौर पर, लेकिन आउटपुट की वो लुक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट में शो नहीं होते वो करेक्टर, ठीक है. तो हम इसकी फर्दर एग्जांपल भी देखेंगे, बट अभी आप देखें कि कौन से होते हैं हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, कि वो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि आउटपुट की लुक को कंट्रोल करते हैं. एन एस्केप सीक्वेंस बिगन विद अ बैक स्लैश फॉलोड बाय द कोड करेक्टर, ठीक है. क्या करता है? बैक स्लैश से शुरू होता है और आगे कोई भी करेक्टर जो भी यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हो सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. दीज आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस बिकॉज द बैक स्लैश कॉजेज एन एस्केप फ्रॉम द नॉर्मल वे करेक्टर इज इंटरप्ट इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी होती है, और इसके अलावा ये बैक स्लैश से शुरू होता है, इसका बिगनिंग क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी होती हैं, बल्कि याद करनी होती हैं आपने. कॉमन यूज़ एस्केप सीक्वेंस के कौन कौन से ऐसे कॉमन एस्केप सीक्वेंस है जो C++ प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उनका पर्पज़ क्या है? तो द कॉमन यूज़ एस्केप सीक्वेंस आर \A\B\N\R\T\SL हमारे पास आ गई है, \Sl आ गई है, एंड \\Comma\Double Quote, ठीक है. सपोज वी वांट टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन. हम अगर ये मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सी आउट यानी आउटपुट फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद देयर आर मैनी वर्जन ऑफ, आगे हमारे पास क्या है, देयर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर हम इस तरह का कोई मैसेज जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो हमने डबल लाइन में लिखा हुआ है, सी आउट को हमने दो दफ़ा यूज़ किया है, और बट हम इसकी चाह रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो सिंगल लाइन में आए, तो वो किस तरह से, व्हेन द अबव टू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड द आउटपुट विल अपेयर ऑन द सिंगल लाइन एज द शोन बिलो, ठीक है. अगर हमारे पास हम इसको जिस ऐसे लिखते हैं, तो ये जब एग्जीक्यूट होगी तो ये सिंगल लाइन में इसकी आउटपुट शो होगी इस तरह से, देर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. लेकिन इफ़ इट इज़ डिज़ायर्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट इन टू लाइन्स, देन अगर हम इसको दो लाइन्स में शो करना चाह रहे हैं, यानी जिस तरह से हमने प्रोग्राम के अंदर दो लाइन्स में लिखा हुआ है, इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारी आउटपुट भी दो लाइन्स के अंदर आए, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? \n\n इज़ यूज फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है. आप अगर उसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ. अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं \n\n हमने, या हम अपना प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट
इंसर्शन साइन और मैंने डबल कोटेशंस के अंदर लिखा देयर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मैनी वर्जन There are many version of, मैंने इसको क्लोज कर लिया, ठीक है, डबल कोटेशंस थे, और साथ में मैंने इसको यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ किया, ठीक है, बैक स्लैश एन, उसके बाद सॉरी ये तो फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, और बैक स्लैश एन यूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दोबारा से डबल कोटेशन लिख रही हूँ, और सी आउट लिखूँ या ना लिखूँ वो उसी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देयर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है, कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो ये देखें, ये एक सिंगल लाइन में हमने इसको लिखा हुआ सी आउट में। सी आउट मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, आपकी बुक में देखें आप दो दफ़ा यूज़ किए, अगर हम उसको उस तरह से लिखेंगे तो वो सिंगल लाइन एक लाइन में उसके आउटपुट देगा, लेकिन अगर हम इसको ये जो मैंने अभी तो लिखा है अगर इस तरह से भी हम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, डबल लाइन में यानी दो लाइन्स में आएगा। ये आएगा देयर आर, पहले फर्स्ट लाइन में आएगा देयर आर मैनी वर्जन ऑफ, सेकेंड लाइन में आएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसको स्टार्ट में बैक स्लैश एन जो है वो स्टार्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। द सेम आउटपुट कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के हम इसको बैक स्लैश एन को स्टार्ट में भी यूज़ कर सकें। ये देख लें आप कि देयर आर मैनी वर्जन ऑफ, हमने स्टार्ट में भी यूज़ किया और इसके एंड पर भी यूज़ किया। अब ये क्या करेगा, ये अलग अलग लाइन में इसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल्स हैं स्कैप सीक्वेंस के और उसके मीनिंग टेबल पे अंदर दिए हुए, ये आपको याद होने चाहिए। बैक स्लैश ए यूज़ होता है प्रोड्यूस अलर्ट, यानी जिस तरह से बीप साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होता है, पहले मोबाइल में हम मैसेज के लिए बीप साउंड सेलेक्ट करते थे, तो आप जब भी आउटपुट आएगी तो नेक्स्ट कोई करेक्टर आएगा या वट एवर, मतलब आपने कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट किया हुआ, आपने जहाँ पर जिस लाइन के साथ आपने स्लैश ए यूज़ किया हुआ है उस लाइन के साथ जब वो प्रिंट होगी या किसी भी तरह से आपने एडजस्ट किया हुआ है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, बीप साउंड जनरेट करेगा। उसके बाद है स्लैश बी, मूव कर्सर बैकवर्ड ऑन वन पोजीशन, ठीक है। हमारे पास कर्सर जो है, फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये दोबारा से बैकवर्ड जाएगा वन पोजीशन पे, यानी स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश एन, मूव कर्सर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी दूसरी लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा। स्लैश आर, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, या एंड पे मीनिंग्स के एंड पे यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जहाँ पे हमने बैक स्लैश आर यूज़ किया होगा तो वो क्या करेगा, मूव कर देगा बिल्कुल इसी लाइन के स्टार्ट में। उसके बाद बैक स्लैश टी है, मूव कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर पोजीशन। अच्छा, हमारे पास क्या करता है, टी जो है वो टेबल के लिए, जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारी रोज एंड कॉलम्स होंगे तो टेबल की पोजीशन में कर्सर जो है वो मूव करेगा। उसके बाद डबल बैक स्लैश है, प्रोड्यूस अ बैक स्लैश, ठीक है, एक सिंगल बैक स्लैश प्रोड्यूस करने के लिए हमें डबल बैक स्लैश यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद बैक स्लैश सिंगल कोट, प्रोड्यूस सिंगल कोट, ठीक है, बैक स्लैश डबल कोटेशन प्रोड्यूस डबल कोट। ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी और प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग विद आयो हैंडलिंग फंक्शन। आयो हैंडलिंग यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, गेट सी एच पढ़ा था, इनपुट में हमारे पास सी इन पढ़ा था, सी आउट पढ़ा था, ये कुछ हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके, बट अभी जो है वो हम प्रॉपर इसको प्रोग्राम लिखेंगे, जो कि मैंने आपके असाइनमेंट में भी प्रोग्राम दिया हुआ है वो आप लोग खुद से लिखेंगे। तो ये प्रोग्राम आप देख लें कि द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड थ्री इंटीजर्स एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्लाइड पे इसको शो करवाऊंगी कि किस तरह से हम इसको